हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरे बारे में जानना चाहोगे तो मैं बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल में न्यू हो वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर करना, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी जरूर करना। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द टिन ड्रम मूवी के बारे में। ये एक जर्मन कॉमेडी मूवी है जो की 1979 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हम एना नाम की एक औरत को देखते हैं जो की अपने खेत में काम कर रही होती है। तभी वहाँ पर भागते हुए एक आदमी आता है जिसका नाम होता है जोसेफ। उसके पीछे पुलिस पड़े हुए होते हैं, तो वो एना के पास आके उसे हेल्प मांगता है। तो एना उसे बचाने के लिए अपने घाघरा के नीचे छुपा लेती है। पुलिस वहाँ पर आके एना से जोसेफ के बारे में पूछता है, तो एना उसे झूठ बोल के वहाँ से भगा देती है। पर इधर हम देखते हैं कि जोसेफ एना के घाघरा के नीचे बैठ के मजे ले रहा था। जैसे ही पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं तो वो दोनों भी वहाँ से भाग जाते हैं एंड दोनों एक साथ रहने लगते हैं। पर एक दिन पुलिस को जोसेफ के बारे में पता चल जाता है, तो वो जोसेफ को पकड़ने के लिए आते हैं। जोसेफ भी उनसे बचने के लिए पानी में छलांग लगा देता है। उसके बाद जोसेफ कभी भी नहीं मिलता है, जिससे पुलिस वालों को लगता है कि जोसेफ पानी में डूब के मर गया होगा। पर गांव में कुछ लोगों का मानना था कि जोसेफ वहाँ से भाग गया है अमेरिका में एंड वहाँ जाके एक रईस बिजनेसमैन बन गया है। एना की एक खूबसूरत बेटी होती है एग्नेस नाम की। वो लोग बाजार में सामान बेच के अपना घर चलाते थे। एग्नेस अपनी कजिन जेन से प्यार करती थी, जो कि एक पुलिस पोस्ट ऑफिस में नौकरी करता था। एग्नेस की एक और अफेयर थी अल्फ्रेड के साथ, जो कि एक जर्मन शेफ था। इसी दौरान एग्नेस प्रेग्नेंट हो जाती है एंड उसका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है ऑस्कर। पर एना को ये नहीं पता होता है कि ऑस्कर का पिता कौन है, जेन की अल्फ्रेड। पैदा होने के बाद ऑस्कर रोना ही नहीं बंद कर रहा था। ये देख के एग्नेस ने उसे बोला कि उसके 3 साल का होते ही उसे एक टिन ड्रम गिफ्ट करेगी। ऑस्कर भी ये सुनने के बाद चुप हो जाता है। ऐसे ही ऑस्कर 3 साल का हो जाता है एंड उसका बर्थडे पार्टी मनाया जाता है। गिफ्ट में उसे एक टिन ड्रम मिलता है। पर जब वो अपने बर्थडे पार्टी में सभी बड़े लोगों को नशे करते हुए देखता है, तो उसे अच्छा नहीं लगता है। वो अपने रूम में जाके डिसाइड करता है कि वो कभी भी बड़ा नहीं होगा, और यही प्रतिज्ञा लेके वो सीढ़ियों से कूद के नीचे गिर जाता है, जिससे ऑस्कर की ग्रोथ रुक जाती है और वो हमेशा के लिए 3 साल का रह जाता है। ऑस्कर को अपने टिन ड्रम से बहुत ज्यादा प्यार होता है, तो वो अपने ड्रम को कभी भी खुद से अलग नहीं करता है। ड्रम टूट जाने के कारण जब उसके पेरेंट्स उससे वो ड्रम छीनने की कोशिश करते हैं, तो ऑस्कर बहुत जोर से चिल्ला देता है, जिससे आसपास के कांच टूट जाती है। ऐसे ही टाइम बीतता है और ऑस्कर 6 साल का हो जाता है, पर तब भी वो दिखने में 3 साल जैसा ही था और वही टूटे हुए ड्रम को साथ में लेके घूमता था। कोई भी उससे उस ड्रम को छीनने की कोशिश करता तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता और चीख के कांच तोड़ देता था। ऑस्कर के पेरेंट्स उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, तो डॉक्टर भी उसका ये पावर देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। पर एग्नेस को इसी चीज का फिक्र था कि ऑस्कर बड़ा क्यों नहीं हो रहा है। हर गुरुवार को एग्नेस ऑस्कर को लेके काम के बहाने में शहर जाती थी। फिर ऑस्कर को एक दुकान में छोड़ के वो जैन से मिलने जाती थी। जब ऑस्कर को अपनी मम्मी की ये हरकत पता चलता है, तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। ऐसे ही कुछ साल और बीत जाते हैं एंड ऑस्कर 12 साल का हो जाता है। एक दिन वो अपनी मॉम एग्नेस और पापा अल्फ्रेड के साथ सर्कस देखने जाता है। सर्कस में बौने लोगों को देख के उसके मम्मी पापा को लगता है कि शायद ऑस्कर भी एक बौना लड़का है। सर्कस खत्म होने के बाद ऑस्कर एक बौना आदमी बैबरा से मिलता है। जब बैबरा को ऑस्कर के चिल्लाने की पावर के बारे में पता चलता है, तो उसे अपने साथ सर्कस में काम करने को बोलता है। पर उसी टाइम वहाँ पर एग्नेस आ जाती है एंड ऑस्कर को अपने साथ लेके जाती है। इधर जिस दुकान में एग्नेस ऑस्कर को छोड़ के जाया करती थी, उस दुकान के ओनर को एग्नेस से प्यार हो जाता है। वो ऑस्कर एंड एग्नेस को अपने साथ लंदन जाने के लिए कहता है, जिससे एग्नेस गुस्सा हो जाती है और उसे मना करके वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद एग्नेस को पता चलता है कि वो फिर से माँ बनने वाली है और उसके पेट में जैन का बच्चा है। इस बारे में वो किसी से शेयर नहीं कर पाती है और बहुत ज्यादा परेशान रहने लगती है। परेशानी में आके वो बहुत ज्यादा मच्छी खाने लगती है, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पर जब अल्फ्रेड को इस बारे में पता चलता है, तो वो एग्नेस पे गुस्सा नहीं करता, क्योंकि वो एग्नेस से बहुत ज्यादा प्यार करता था एंड वो उसे खुश देखना चाहता था। पर ऑस्कर को लेके एग्नेस हमेशा से बहुत ज्यादा परेशानी झेला है, जिस कारण वो फिर से माँ बनना नहीं चाहती थी। इसी परेशानी के चलते वो बहुत ज्यादा मछली खाने लगती है, जिसके कारण उसे फूड पॉइजन हो जाता है एंड उसकी मौत हो जाती है। इसके कुछ सालों बाद हम ऑस्कर को देखते हैं, जो कि जैन को लेके
लेके एक पोलिश पोस्ट ऑफिस में जाता है अपना ड्रम ठीक करवाने के लिए। उस दौर में पोलैंड में वॉर चल रहा था एंड जर्मन सेना उन पर हमला करके उन्हें अपने कब्जे में करना चाह रहे थे। सो पोस्ट ऑफिस में पोलिश लोग भी जर्मनियों पे हमला करने के लिए तैयारी कर रहे थे, पर तभी अचानक वहाँ पर जर्मन सेना हमला कर देते हैं जिसमें जेन के साथ साथ काफी लोगों की मौत हो जाती है। पर ऑस्कर किसी तरह उसमें से बच जाता है एंड वहाँ से भाग जाता है। वो अब एल्फ्रेड के साथ रहने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एल्फ्रेड मारिया नाम की एक लड़की को काम पे रखा हुआ था जो कि 16 साल की थी एंड ऑस्कर के एज के बराबर ही थी। मारिया एल्फ्रेड के दुकान के साथ साथ पूरे घर का भी ध्यान रखती थी, साथ में ऑस्कर का भी ध्यान रखती थी, जिससे ऑस्कर को उससे प्यार होने लगता है। पर मारिया को ये सब कुछ नहीं मालूम था कि ऑस्कर एक बड़ा लड़का है। मारिया हमेशा से उसे एक बच्चों जैसे ट्रीट किया करती थी। एक रात जब एल्फ्रेड काम से शहर से बाहर जाता है तो मारिया एंड ऑस्कर साथ में सोते हैं। इसी चीज का फायदा उठा के ऑस्कर मारिया के साथ इंटीमेट होने लगता है, पर मारिया भी उसे इस जगह पर नहीं रोकती है क्योंकि उसे भी ये सब कुछ अच्छा लग रहा था। ऐसे इन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ जाती है तो एक दिन ऑस्कर को पता चलता है कि मारिया एल्फ्रेड से प्यार करती है, पर एल्फ्रेड सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था। इस बात से मारिया बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है एंड बहुत रोने लगती है। मारिया को इस तरह से रोते देख ऑस्कर को अच्छा नहीं लगता तो वो उसे संभालने आता है, पर मारिया उस पर भड़क जाती है और उसे बौना बोल के लात मार देती है। अब कुछ महीने बाद के टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर मारिया अल्फ्रेड के बच्चे की माँ बनने वाली थी एंड ऑस्कर उस बच्चे को मारना चाहता था, पर मारिया उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। उसके कुछ दिनों बाद मारिया एक लड़के को जन्म देती है जिसे पाकर घर के सभी लोग बहुत खुश थे ऑस्कर को छोड़ के। टाइम बीतने लगता है और ऑस्कर को लगने लगता है कि ये बच्चा उसका है। दूसरी तरफ हम ऑस्कर के दोस्त बेबरा को देखते हैं जो कि वर्ल्ड वॉर टू के टाइम नाजी आर्मी में एक बड़े पोस्ट में काम करता था। फिर एक दिन वो ऑस्कर को भी सेम जॉब में ज्वाइन करने को कहता है। वो ऑस्कर को कहता है कि पेरिस में उन लोगों का एक परफॉर्मेंस है। ऑस्कर भी इनके साथ काम करने को मान जाता है। फिर वो सर्कस में सबको अपना टैलेंट दिखाता है। उसी दौरान उसे अपनी टीम की एक लड़की रोसविता से भी प्यार हो जाता है। टाइम के साथ साथ ऑस्कर भी अपने पुराने दोस्तों के साथ काम करने लगता है और बहुत खुश रहने लगता है। पर अचानक एक दिन अमेरिकन सेना उन लोगों पर हमला कर देते हैं और उस हमले के कारण रोसविता की मौत हो जाती है, जिससे ऑस्कर फिर से अकेला हो जाता है तो वापस से एल्फ्रेड के पास आ जाता है। वहाँ के वो मारिया के 3 साल के बेटे से मिलता है और उसे भी अपने जैसा एक टिन ड्रम गिफ्ट करता है। अब क्योंकि एल्फ्रेड भी ऑस्कर को अपने बेटे जैसा मानता था तो वो ऑस्कर को पाके बहुत ज्यादा खुश होता है, पर मारिया उसे देख बिल्कुल भी खुश नहीं थी। एल्फ्रेड ऑस्कर को अपने पास छुपा के रखता है क्योंकि उसके पीछे डॉक्टर पड़े हुए थे क्योंकि उन्हें लगता था कि ऑस्कर एबनॉर्मल है, बट एल्फ्रेड इस बात को नहीं मानता था। अब वॉर के कारण शहर में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो एल्फ्रेड ऑस्कर एंड अपने पड़ोसी लीना को अपने बेसमेंट में छुपा के रखता है। साथ में एल्फ्रेड एक नाजी सिपाही भी था जिसके कारण उसे भी छुप के रहना पड़ रहा था। पर एक दिन अचानक ही रशियन सेना उनके घर में हमला कर देते हैं और बेसमेंट में जाके लीना के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। तभी ऑस्कर उनके सामने एल्फ्रेड को एक बैज देता है जिसमें कि नाजी सिपाही होने का सबूत था। एल्फ्रेड डर के मारे उस बैज को निगल लेता है, पर वो गले में अटकने के कारण उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन एल्फ्रेड के स्टोर पे मारियस नाम की एक आदमी आता है एंड वो अब उस स्टोर का न्यू ओनर था। साथ ही साथ वो एल्फ्रेड का भी फ्यूनरल करता है क्योंकि वो फैमिली को खोने का दुख समझता था। एल्फ्रेड के डेथ के बाद ऑस्कर भी बहुत ज्यादा उदास हो जाता है एंड उसे पता चल जाता है कि अब वो अनाथ है। सो वो डिसाइड करता है कि अब वो फिर से बड़ा हो जाएगा। एल्फ्रेड के कब्र में ही वो अपना टिन ड्रम को फेंक देता है। तभी एक पत्थर आके ऑस्कर के सर पर लगता है जिससे वो जख्मी हो जाता है एंड वहीं पे बेहोश हो जाता है। वहीं पर एक डॉक्टर उसे देखता है तो कहता है कि ऑस्कर अब बड़ा होने लगा है। इधर शहर के सभी लोग उसी शहर को छोड़ के दूसरे शहर में चले जाते हैं, पर एना वहीं पर रह जाती है। इधर ऑस्कर को भी पता चलता है कि उसकी बोलने की शक्ति चली गई है। लास्ट में हमें उसी फार्म का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एना काम कर रही थी, जो कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। ये एक मजेदार मूवी है, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि बच्चे इसे ना देखें। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.5/10। आशा करते हैं आपको आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर बताना, और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो
हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर करना, जिससे आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आज के लिए यही तक गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड लव यू।